हाय, तो ये क्विक वीडियो से मैं शेयर करना चाहता हूँ अबाउट आवर सक्सेसफुल, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूँगा लेकिन एक सक्सेसफुल केस स्टडी इज़ द राइट वर्ड। और देखिए, मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ ग्रुप कोचिंग का, और मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि जिस भी जगह पर 40-50 बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, उन 50 बच्चों में उन्हीं को फ़ायदा होता है कोचिंग का जो खुद बड़े सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, एक टीचर एट अ टाइम 50 बच्चों पे ध्यान अटेंशन नहीं दे सकता, तो वो एक लेक्चर की तरह चलता है। आपको जितना समझ में आ गया, बच्चा मोटिवेटेड है, बच्चे ने उल्टा सवाल पूछा टीचर से 10-20-50, तो टीचर जवाब देगा, टीचर उसके तरफ ध्यान भी देगा, और फिर टीचर्स को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन से बच्चे हैं जो मुझे रिजल्ट देने वाले हैं, तो उन्हीं पर मैं एक्स्ट्रा मेहनत भी करूँ। तो 50 बच्चों में कम से कम 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कहते बैक बेंचर बन के रह जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ टीचर अटेंशन की बात कर लो या उसकी बात कर लो, अगर अनलेस अंटिल सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। तो एज ए पेरेंट्स आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमारे पास काफ़ी तरह से बच्चे आते थे, मुझसे लोग सलाह लेते थे, और मैं हमेशा ये बता के छोड़ देता था कि अभी देख लो, और ग्रुप कोचिंग में भी वहाँ ज्वाइन करो जहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो कम हो। एक बैच में मैक्सिमम मैं तो वो 10 बच्चे हों, नहीं तो मैक्सिमम 15 हों, और जहाँ 100 बच्चे बैठ रहे हैं वो तो बेकार ही हो गया। नहीं, जब लोगों ने मुझे फिर से कहा कि सर आप ही हेल्प करो, तो बहुत छोटा मैंने 3 बच्चे सिर्फ थे जो इस साल हमने हेल्प करी, BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कल रिजल्ट आया, और मैं बहुत प्राउडली आपसे शेयर कर सकता हूँ, 2 लड़कियाँ एक लड़का था, तीनों ने सिर्फ 25 दिन तैयारी करी, क्योंकि उससे पहले वो किसी नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 महीने से अपना टाइम खराब कर रहे थे। ये सब वही थे जो कि सेल्फ मोटिवेशन में थोड़े कम होते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, और टीचर ने धक्का दिया नहीं, लेकिन तीनों बच्चों की ही टॉप 1000 में रैंक आ गई है, और तीनों को ही IP का टॉप कॉलेज मेरिट सीट से मिल जाएगा। पहले तीनों के पेरेंट्स तैयार थे एक्चुअली मैनेजमेंट सीट लेने के लिए, विप्स की, अग्रसेन की, और उस अमाउंट को देने के लिए, पर नाउ दे आर थैंकिंग मी। और जो उन्होंने ग्रुप कोचिंग के पैसे दिए थे जो ऑलरेडी ख़राब हो गए, उससे सिर्फ 3 गुना ज़्यादा, मतलब तीनों बच्चों का इंडिविजुअली 1-1 लाख रुपए से कम खर्च हुआ, और तीनों बच्चों के 10-10 लाख रुपए ऑलरेडी बच चुके हैं। लेकिन अभी मैं वेट करूँगा 5 दिन की, क्योंकि तीनों बच्चों ने ही DUZ भी दिया है, और मैं फिर से कहूँ समय बहुत कम था, लेकिन DUZ के लिए समय मिल गया था, पेपर अभी ख़त्म हुआ था सितंबर एंड में, तो फिर भी इन्होंने खाली 1.5 महीना तैयारी करी है, और हम वेट कर रहे हैं कि DUZ में कैसे परफॉर्म करते तीनों बच्चे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बस खुश था मैं ये साबित करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, और जब भी आपको मौका मिले और आप अफोर्ड कर सके 1-to-1 कोचिंग, व्हेन आई से इंडिविजुअल इट मीन्स 1-to-1, आप और टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर और 2 या 3 या 4 बच्चे, आप करके देखिए, आपका जो टोटल खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो काफ़ी फ़र्क होंगे। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा। मैं खैर पूरे इंडिया में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर मेरा नेटवर्क है और मैं टीचर्स दिलवाने में मदद कर देता हूँ, स्पेशली अब ऑनलाइन के ज़माने में। तो मैं बात करूँ कि कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट का केमिस्ट्री का टीचर, IIT JEE का, मैथ्स का टीचर, या क्लैट के लिए लीगल एप्टीट्यूड का टीचर जो आपको 1-to-1 पढ़ाएगा या पढ़ाएगी, और जैसा मैंने कहा कि ठीक है अब 2-3 बच्चे मिल जाओगे तो उनका रेट अक्सर फरार होता है, और उस टोटल में आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो गाइडेंस मिलेगी, जो कोचिंग मिलेगा, जो मोटिवेशन मिलेगा, वो काफ़ी फ़र्क होगा बजाय उसके कि जब आप 30-30 बच्चों के बैच में बैठे हुए हो। तो ये वीडियो पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए, और जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो सोच अगर करें भी तो ये सब सोच के करें। देखिए, फलाना इंस्टीट्यूट ने इतने बच्चे निकाले, आप हमेशा मान के चलिए कि वो बहुत बड़ा शैम, बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। रैंक्स खरीदी जाती हैं, बच्चा आपके पास पढ़ भी नहीं रहा था, किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ गया, आप उसको 2-4-5-20 लाख रुपए देके उससे कहते हो भाई तू बोल के तू मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। और दूसरी बात, एक हवा ऐसी बन चुकी है जो इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट हैं हर डोमेन में, अरे जब वो 50-50 हज़ार बच्चे पढ़ा रहे हैं तो नेचुरली उसमें से 1000 सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। पर आप खुद ही सोचिएगा, एक कोचिंग सेंटर है, 100 बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, 100 में से उसने 10 सिलेक्शन किए, एक के पास 10 ही बच्चे थे, उसने 5 सिलेक्शन करवाए, तो कौन सा बेटर है? पर हम बेवकूफ़ हमेशा 10 सोचते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हैं, अखबारों में ऐड आती है, पूरी लिस्ट होती है कि 500 सिलेक्शन, बिल्कुल 500 सिलेक्शन में
उसमें भी मैंने बोला कि 40-50 तो खरीदे गए होंगे, बट बाकी 450 तो जेन्युइन हैं, बट वो 450 हैं 50,000 बच्चों पे। और किसी और इंस्टीट्यूट ने अगर 25 बच्चे निकाले हैं लेकिन उसके पास पढ़ते ही थे 100 बच्चे, तो ध्यान से सोचिए कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा टीचर बच्चों पे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और लॉजिक बड़ा सिंपल है, 50,000 बच्चों वालों की गलती नहीं है, समस्या ये है कि वो इतना कमा रहे हैं, इतने लालची हो गए हैं कि एक क्लासरूम में 150 बच्चे बिठाते हैं। आप उनसे जाके बोलिए जी एक क्लासरूम में 20 बच्चे बिठाएं मैक्सिमम, अगर 10 नहीं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ने लग जाएगा। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत कमाएगा, अभी भी 20 बच्चे लेके 15 बच्चों के बैच में वो खूब कमाएगा, खासकर दिल्ली में जो फीस चलती है या बड़े शहरों में जो फीस चलती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा अंधा कमाना चाहते हैं कि वो 150-150 बच्चे एक बैच में बिठा देते हैं। तो ये है, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद।